एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस बाय नीरज। टुडे वी विल डू आवर स्पोकन क्लासेस। इन दिस स्पोकन क्लासेस वी विल डू डिफरेंट वे, वी विल डू स्पोकन बाय स्ट्रक्चर। हमने अभी स्ट्रक्चर सीखे हैं। आई हैव अपलोडेड द वीडियो ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, यू कैन वॉच देयर। एंड विद दिस स्ट्रक्चर्स वी कैन इम्प्रूव आवर स्पोकन एरिया। हम डेली बेस पे जो सेंटेंसेस यूज करते हैं उस सेंटेंस को यूज तो कर लेते हैं, लेकिन हमें इसको ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है। उस ट्रांसलेट करने की प्रॉब्लम को आज हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जिसको भी, जिस इंसान को, जिस पर्सन को अगर टेंसेस में दिक्कत है, अगर उसे समझ में नहीं आ रहा कि कौन से टेंस का यूज करे, तो बाय स्ट्रक्चर भी आप क्या कर सकते हो, अपनी स्पोकन को इम्प्रूव कर सकते हो, इंग्लिश को फ्लुएंट कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि अब हम कुछ वर्ब्स ले लेते हैं, जैसे प्ले, ईट, राइट, ट्रेवल, ये कुछ वर्ब्स लिए मैंने। अब इस वर्ब से क्या है, हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम अपने स्पोकन एरिया को देखते हैं। जैसे कि अगर हैबिट की बात की जाए तो आपने हमेशा ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। जैसे कि प्ले, प्ले वर्ब लेते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट में क्या करना है, आपने हमेशा यूज टू का इस्तेमाल करना है, यूज करना है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, आज नहीं खेल रहा लेकिन पास्ट हैबिट में खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, इज एम आर वी वन आई एन जी। अरे मैं तो कल क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट येस्टरडे, मैं क्रिकेट खेल लिया हूं, आई हैव प्लेड क्रिकेट। अब जैसे कि क्या है, आप नॉर्मली वे में भी क्या है, इन टेंसेस को आप होम पे भी यूज कर सकते हो, आप अपने स्पोकन एरिया को इम्प्रूव करने के लिए छोटे छोटे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। अभी आपको ये आसान लग रहे होंगे कि स्पोकन, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि स्पोकन एरिया ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को ही फ्रेम करने से आपका इम्प्रूवमेंट होगी। जैसे हम नेक्स्ट लेते हैं, ईट, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव टेकन माई फूड, मैं खाना खाता हूं, आई ईट माई फूड, आई टेक माई फूड। अरे मैं तो पिज्जा खाया करता था, अब नहीं खाता हूं, आई यूज टू टेक पिज्जा बट आई डोंट टेक पिज्जा नाउ, मैं पिज्जा खा रहा हूं, आई एम ईटिंग द पिज्जा, मैं पिज्जा खा रहा था, आई वॉज ईटिंग द पिज्जा। अब जैसे कि आप वर्ब ले सकते हो राइट, राइट वर्ब से अब कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि मैं ब्लू पेन से लिखता हूं, आई राइट विद ब्लू पेन, मैं रेड पेन से लिखा करता था, आई यूज टू राइट विद रेड पेन, मैं कल रेड पेन से लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग विद रेड पेन। अरे मैं अब मार्कर से लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग विद मार्कर। तो ये आप ये कुछ स्ट्रक्चर को याद करें, इस स्ट्रक्चर को याद करने से क्या है, आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कोई भी ट्रैवल वर्ब ले लेते हैं, मैं बस से ट्रैवल करता हूं, आई ट्रैवल बाय बस, मैं ट्रेन से ट्रैवल किया करता था, आई यूज टू ट्रैवल बाय ट्रेन, मैं कल बाजार बाइक से जा रहा था या बाइक से ट्रैवल कर रहा था, आई वॉज, अगर बाइक बाइक के लिए तो आपकी क्या होती है, नॉर्मल राइड वर्ब लगती है, लेकिन अगर आप यात्रा कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो किसी के साथ, तो आप कार से भी ट्रैवल कर सकते हो, या बाइक के पीछे बैठकर जाना है आपने तो वहां भी ट्रैवल कर सकते हो, आई वॉज ट्रैवलिंग बाय फ्रेंड्स बाइक, कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन अगर आप बाइक खुद चला रहे हो तो वहां राइडिंग यूज होगा, आई वॉज राइडिंग अ बाइक। मैं आज कार से दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली बाय कार। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि प्रेजेंट के लिए आपने वी वन यूज कर लिया, पास्ट हैबिट आपने यूज करनी है तो यूज टू प्लस वी वन का इस्तेमाल कर लेंगे, और इज एम आर वॉज वर्ब, प्रेजेंट का इज एम आर, पास्ट का वॉज वर्ब, और अगर आपने कोई काम कर लिया है, आप एक्सपीरियंस ले लिया है, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर क्या है, आपकी हेल्प करेंगे आपके सेंटेंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। आप यू कैन इम्प्रूव योर स्पोकन बाय दिस स्ट्रक्चर्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है आपके लिए, तो आप इस सेंटेंसेस को एक्सपीरियंस करिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको ये हेल्पफुल हुआ है या नहीं, तभी मैं क्या है आगे आप मोटिवेशन मिले मुझे, ताकि मैं आपके लिए और नई वीडियो बना पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।